हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ चली अंजलि। तो आज ये गणपति का 6th डे, मतलब कल विसर्जन है, तो मुझे तो आखिरी दिन यही लगता है, क्योंकि विसर्जन वाले दिन तो सुबह सुबह से वो विसर्जन की तैयारी होने लग जाती है, तो वो दिन तो समझ ही नहीं आता। तो कब ये, मतलब कब 5-6 दिन चलेगा पता ही नहीं लगा। तो आधे दिन तो मेरी तबीयत ने ख़राब कर दी है मैंने। पर आज सुबह सुबह सोचा कि सर धुल के अच्छे से नहा लेती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। इसलिए मैंने सर वर धुल लिया ताकि मुझे अच्छा फील हो, क्योंकि ऐसा इस बार सब गरम गरम सर में लग रहा था, तो नहा लिया है। बस शिवा और जीजू का नहाना बाकी, वो नहा ले फिर हम आरती वारती करेंगे। और पापा बढ़िया सुबह सुबह से एकदम रेडी हो गए, कुर्ता वुर्ता पहन लिया पापा ने। क्या हुआ? जय हो गजानन महाराज की। जय गजानन महाराज की। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। आ जाओ। वाक्सिका हंस रही, बढ़िया आराम से, आराम से, बिल्कुल मस्ती नहीं है, बिल्कुल मस्ती नहीं करनी है। मना को पूरा करो सगे भवे ये लग जाएगी यार। अच्छा ये बताओ, हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं हम? हाँ, हम बाहर। बाहर क्या करने जा रहे हैं? समोसे खरीदने। समोसे लेने? गाड़ी आ रही है साइड हो जाए। गाड़ी आ रही साइड हो जाए। क्या है यहाँ? ये आइसक्रीम किस बात? किस बात के लिए? अच्छा सा कलर कर रहा था इसलिए। गौर से देखिए इस आदमी को, ये बहुत परेशान करता है, ये बहुत नोचता है, मुक्के मारता है मुक्के। ये आदमी मुक्के मारता है, मार दिया मैंने। तो हम तो निकले थे ड्राइव पे, पर हम पहुंच गए हैं खेरेश्वर धाम। और बारिश हो रही है, और ये है कानपुर के शिवराजपुर में, मैंने तो नाम भी नहीं सुना था, पर अच्छा है मंदिर आने भगवान ने बुलाया होगा ना, इसलिए आ गए। थोड़ा प्रसाद लेंगे क्योंकि घर में बहुत प्रसाद रखा है ऑलरेडी मैंने। ये देखो भुजिया कितने की है? 1 पाव दे दो, पकड़ लो। चलो जी गाइस, तो हो गए हमारे दर्शन। यार इनको कुछ खिला दो पहले। शिवा कुछ, हम निकले थे अय्याशी करने चले आए मंदिर में। ऐसे एक्चुअली ये सच है, हम निकले थे ऐसे ही। हाजी गाइस, तो मेरे फोन की बैटरी हो गई है 5%, तो आई थिंक मैं अब शूट नहीं कर पाऊंगी। तो बस अब हम यहाँ से हमने दर्शन कर लिया है, यहाँ से हमने दर्शन कर लिया और अब हम यार काम की वजह से बोला भी नहीं जा रहा, अब हम यहाँ से घर ही निकलेंगे। तो अब मैं आपको सीधा घर पे मिलूँगी, नहीं शूट करूँगी, अदरवाइज मेरा फ़ोन ख़त्म, मतलब मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो जाएगा, भूल जाएगा। वैसे भी मेरा फ़ोन इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, पता नहीं कल क्या ही हो गया था, चल ही नहीं रहा था। और आते ही खाना शुरू कर दिया इन लोगों ने, बहुत तेज भूखे हैं ये दोनों लोग। खाने में आ जाए छोले रोटी चावल सैलेड,
ये देखिए कुछ भी हो जाए बस झलक ही छोड़ना चाहिए, सबका फेवरेट है, मम्मी का, दीदी का, पापा का। हाँ जी गाइस, तो आज मैं भगवान के प्रसाद में बना रही हूँ ये सेवैयां। गौरी के नंदन प्रथम जगे बंदन, गौरी के नंदन ये देखिए मेकअप दादा वैनिटी लेके अंशु दीदी की। मैम 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 लिपस्टिक कराओ, मैम लिपस्टिक ठीक करो मैम जी। ये सिंदूर है, ये देखो कैसा मेकअप आर्टिस्ट रखा है आपने, इसको पता ही नहीं है सिंदूर और लिपस्टिक में डिफरेंस। इंटर्नशिप कर रहा हूँ। इंटर्नशिप कर रहे हो, अच्छा ठीक ठीक। हाँ देखिए अंशु जी आ गई अपना फोटो शूट कराने के लिए, ऑल सेट। कल मेरी फोटो पहले प्रॉमिस करो तब खींचूंगी, सबके सामने पूछ रही हूँ मेरी फोटो खींचोगी अच्छी वो मेरी गारंटी नहीं। आनी चाहिए अच्छी। चलो ये मेकअप आर्टिस्ट ऐसे काम नहीं होता है, जब फोटो शूट हो रहा होता है आपको अटेंटिव रहने की जरूरत है। कह रहा पेमेंट नहीं दी। चलो ठीक है, चलो फिर फोटो खींचे। अच्छा शिवा के कौन से खींचने? तो भाई इन दोनों का आज क्या है यहाँ पे? इन लोगों का आज नौता है यहाँ पे, नौता है। क्या बनाया है फिर? वाह बहुत सारा खाना बना दिया। ये देख रहे हो हेलो, क्या कर रही हो? कुछ नहीं। पनीर की सब्जी बढ़िया बनी है, बढ़िया बनी है। यहाँ आता तो आप सुजी का सेतु क्या है? पहले आप तो बाहर कर दे। ये देखो भैया, एकदम वो फील करा है मेहमान वाला। मेहमान वाला तो आप नहीं, भैया मेरा नौता नहीं करोगे? मेरा नहीं, काले नहीं, लाइट सबको पता है आईफोन से शूट करते काले आते हैं। अब कुछ नहीं रहेगा, रोटी वोटी चावल ले लेगा थोड़ा स्वाद अनुसार बस। ठीक ठीक। ये कहते दीदी खाना बहुत बढ़िया बना था। मैंने भी क्योंकि खा लिया, मैंने खाते टाइम शूट नहीं किया क्योंकि यार मेरा फोन किनारे रखा था, मन नहीं कर रहा था सही बताए तो। नाइट सूट पहन के आ गई है। अब इनके पास चुन्नी नहीं है। ए हट जल्दी हट। अरे बाय बाय, गुड नाइट चाचा, गुड नाइट, बाय। हाँ जी गाइस, तो पप्पा का माला वाला उतार दिया है और उनके हाथ वाथ पोंछ दिया है, इसमें मोदक रखते हैं तो गीला हो जाता है। और क्या, हाँ मतलब सोने की तैयारी करा दी है पप्पा की। आज पप्पा की आखिरी रात है हमारे घर पे, और ये साल फिर आएंगे बट स्टिल। तो बोल नहीं पा रही। कल सुबह जल्दी उठना भी है तो पापा की गुड नाइट तो मैंने करा दी है, अपनी भी गुड नाइट कर ही लेते हैं इनके साथ।